संत के जीवन, उनके विचार और चिंतन से श्रावक को प्रेरित कर सत्संग का लाभ देने हेतु प्रस्तुत है श्रीफल न्यूज का सत्संगी प्रयास संत वाणी। पुष्पगिरी पर चातुर्मास रत मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की मुखारविंद से पर्युषण का चौथा दिन। आज का धर्म उत्तम शौच धर्म। जीवन को निर्मल बनाने के लिए है दश लक्षण धर्म का चौथा दिन उत्तम शौच धर्म। जीवन की गंदगी को साफ करना ही उत्तम शौच धर्म है। यह गंदगी कदम दर कदम साफ होती है, तब जाकर उत्तम शौच धर्म जीवन और आत्म में प्रवेश करता है। आंख, नाक, कान, जिह्वा, चमड़ी, इन्हीं के द्वारा गंदगी जीवन में प्रवेश करती है। आंखों ने परिवार के किसी के पास कोई अच्छी वस्तु देखी, वह हमारे काम की भी नहीं हो पर उसे लेने की इच्छा प्रकट हो जाती है, बस आंखों ने लोभ की गंदगी को अपने अंदर जगह दे दी। कानों ने सुना कि सोने का भाव कम हो गया है तो तुरंत विचार आता है सोना खरीद ले, अभी जब भाव बढ़ेगा तब वापस बेच देंगे। बिना जरूरत के सोना लेने का भाव बन गया और कानों से भी लोभ की गंदगी प्रवेश कर गई। बस इसी प्रकार से नाक, चमड़ी और जिह्वा भी जीवन में लालच, लोभ की गंदगी को जगह देती रहती है। यहीं से शुरू होते हैं व्यक्ति के अंदर कदम दर कदम परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति शत्रु, द्वेष, ईर्ष्या के भाव। यहीं से व्यक्ति की आत्मा का पतन प्रारंभ हो जाता है। साथ ही लौकिक व्यवहार में इज्जत, मान सम्मान, अभिमान सब नष्ट हो जाता है। मनुष्य पर्याय में होने के बाद भी उसकी जिंदगी तिर्यंच के समान हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि इंद्रिय जन्य आने वाले इस मल गंदगी से मन आत्मा को शुद्ध करे और निर्मल हो जाए। सही मायने में शौच धर्म तभी घटेगा जब हम निर्मल हो जाए। आज का जाप ओम रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। आज का नियम, आज पूरे दिन किसी भी नई वस्तु का क्रय नहीं करेंगे।